हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का हमारे चैनल चलो लर्न करते हैं में स्वागत है। तो आज हम लोग डक यानी बतख की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो एक ओवल शेप बनाएंगे। ठीक है, ओवल शेप हमें इस तरह से बनाना है ध्यान से। फिर हम ये डाउन करते हुए, ये देखिए, हम इसकी चोंच निकालेंगे इस तरह, और एक इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसका हम नेक बनाएंगे, हमें इसका पंख बनाना है। अब ये देखिए, मैंने सीधी लाइन की और इस तरह से बस हमें करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ओके, और इसे मोड़ देना है। फिर ये मैं इस तरह से हमें ले जाना है, और क्योंकि ये पानी में तैर रहा है बतख, इसलिए हम लोग पानी भी बना देंगे। ठीक है, और ये मैंने दूसरा पंख इसका निकाला इस तरह से, और ये हम लोग जिग जैग टाइप का बना लेंगे क्योंकि ये पानी में है। और ये हमारा पानी बन गया। अब हम इसके ऊपरी सिरे को जो है वो इरेज करके और इसका हेयर निकालेंगे। एक्चुअली ये डक का बेबी हो गया। ठीक है, अगर डक है तो इसका हेयर हटा दें, डक बनाना है तो इसे हम बेबी ही कहेंगे डक का, लेकिन है तो डक ही। इस तरह हम डक की आंख बनाएंगे। ये देखिए, आईज बन रही है। अब ये आईब्रो हो गया। इसे मैं नीचे से थोड़ा सा इसका चौड़ा कर रही हूं जिससे अच्छा लगे देखने में। ठीक है, और ये फिर पानी का शेप, पानी का धार। अब हम इसे कलर करेंगे। ये देखिए, मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट में हल्का सा ब्लू मिलाया है। ठीक है, तो ये वाइट में ब्लू मिलाए तो ठीक है, और हल्का मिलाना है, नहीं तो पूरे वाइट से भी कर सकते हैं। और ब्लू से बाद में हम लोग शेड निकालेंगे। ये देखिए, मैंने फिर वाइट ही लिया है। ठीक है, ये ऊपर में हल्का सा ब्लू टच कर दिया, और फिर नीचे हम इसकी पूरी बॉडी में वाइट कलर यूज़ करेंगे, और साइड साइड से हमें लगाते जाना है जिससे हमारा कलर बाहर ना निकले। ठीक है, जो कंजेस्टेड एरिया उसको पहले हम कवर करेंगे जिससे कलर हमारा बाहर ना निकले। और ये देखिए, अब मैंने क्या किया, ये ब्लू ले लिया है और इसे दाएं तरफ लगा के, और फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। ठीक है, ये मैंने लगा दिया इसके नेक पे भी मैं हल्का सा, और ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, पानी के साथ, हल्का पानी के साथ आप इसे मिक्स कर ले जिससे मिला हुआ लगे, ये वाइट कलर में ब्लू कलर मिक्स हो जाए। और नेक की तरफ भी मैं लगाऊंगी हल्का सा ब्लू, और इसका जो पंख है ना वो भी मैं वाइट से ही, सॉरी ब्लू से ही मैं देखिए निकाल रही हूँ, इसका हाईलाइट कर रही हूँ पंखों में। ये देखिए, और आप पहले क्या करें, पहले आप आउटलाइन कर ले उसके बाद फिर कलर करें। यहाँ पर मैं वाटर कलर कर रही हूँ तो मुझे फिर भी पेंसिल का हल्का हल्का नज़र आ रहा है आउटलाइन, तो मैं बाद में फिर उसी पे मैं ब्लू कलर भी चला दे रही हूँ, और बाद में मैं ब्लैक से आउटलाइन भी कर लूँगी। आप चाहे तो पहले भी आउटलाइन कर लें, और आप चाहे तो इस डक को आप येलो कलर से भी कलर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये मैंने साइड से देखिए ब्लू कलर निकाल दिया, और ऊपर में भी ऐसे ही।
और ये जो इसकी चोंच है वो रेड कलर से है। आप येलो कलर से भी बत्तख को कर सकते हैं कलर, और चोंच रेड कलर से ही रहेगी। ओके, अब ये कलर लगा करके मैं आउटलाइन करूंगी ब्लैक से। तो मैं ब्लैक से इस तरह से इसके हेयर निकाल के और पूरे में आउटलाइन हम कर देंगे। ओके, हमारा आउटलाइन हो चुका है। अब हम पानी को कलर करेंगे। ये देखिए, ब्लू से मैंने ब्लू ले लिया कलर और पूरे में अप्लाई करेंगे ब्लू कलर। ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ जहाँ डक है हमारा, वहाँ नीचे में हमें थोड़ा डार्क ब्लू रखना है, क्योंकि उसका शेडो दिख रहा है। ये हमें दिखाना है कि उसका शेडो है नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर हम ये दे देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने डार्क कर दिया ब्लू से। और इस तरह से मैं कर्व लाइन देती जाऊंगी। ये वाइट से मैंने दे दिया, इसी तरह से पूरे में वाइट से दे देना है। और फिर ये जो वाइट जहाँ उभरे बूंदे बूंदे टाइप के लग रहे, उसे मैं मिक्स कर दूंगी। उसे हम लोग फिर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ उसको, ठीक है। ये मेरा आउटलाइन छूट गया था, ये हो चुका है अब। तो कैसा लग रहा है ये डक पानी में तैरता हुआ? ओके फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे दिया हुआ है बटन, उसे प्रेस करना है आपको। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।